चुनाव के लिए मतदान आज होना है और इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन एक्शन में है और MBPG कॉलेज के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ नैनीताल रोड के जो स्कूल हैं वो सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। छात्र संघ चुनाव पूरे जनपद में है, हल्द्वानी मुख्यतः फोकस रहेगा। इसके अलावा रामनगर, लालकुआ, नैनीताल, बेतालघाट में भी ये इलेक्शन है। सभी जगहों पे पर्याप्त संख्या में पुलिस बल प्रदान कर लिया गया है। इसमें 10 हमारे एसएचओ रैंक के अधिकारी रहेंगे, 50 के लगभग सब इंस्पेक्टर हैं और 150 कांस्टेबल रहेंगे। ईएसी के जवान, फायर सर्विस के जवान और LIU के जवान भी सादे वस्त्रों में लगातार मूवमेंट पर रहेंगे। पूरे राजपत्रित अधिकारी इन तमाम इलेक्शंस को मॉनिटर करेंगे। रोड डाइवर्जेंस और रोड प्लान भी हल्द्वानी के लिए बनाया गया है। इसमें MB डिग्री कॉलेज का जो इलेक्शन है उस जगह पे कुछ स्थान के लिए हम ट्रैफिक को रोकेंगे और ट्रैफिक डाइवर्ट करेंगे। भारी वाहनों का आवागमन गोलापार की ओर से होगा। बड़ी खबर का रुख करते हैं। लक्सर में आज होंगे छात्र संघ के चुनाव। छात्र संघ चुनाव में 5 पदों के लिए मतदान होगा, चुनाव होगा। एक पद पर निर्विरोध सदस्य जो है वो चुना जा चुका है। NSUI से निर्विरोध कुमारी रेखा चुनी गई हैं महासचिव। छात्र संघ चुनाव में 280 छात्र और छात्राएं जो है वो मतदान करते हुए नजर आएंगे। तो लक्सर में छात्र संघ चुनाव होगा और इसमें 280 छात्र छात्राएं जो है वो मतदान करते हुए नजर आएंगे। NSUI से एक जो सदस्य है वो निर्विरोध चुना जा चुका है। बढ़ते आगे, जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में राधे हरि राजकीय स्नातोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होना है। आज होने वाले छात्र संघ चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है। महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा जारी सूची में उपाध्यक्ष पद पर 2 प्रत्याशियों के द्वारा किए गए नामांकन से 1 प्रत्याशी का नामांकन अवैध घोषित हुआ है और इस बार 5731 छात्र छात्राएं अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, जिनमें से 2187 छात्र और 3544 छात्राएं शामिल हैं। इस साल छात्र छात्राओं की बड़ी संख्या को देखते हुए 2 बूथ और बढ़ाए गए हैं। अध्यक्ष पद पर 3 प्रत्याशी हैं, उपाध्यक्ष पद पर 2 ने नामांकन किया, 1 अवैध पाया गया। उपाध्यक्ष छात्रा में एक ही है। सचिव के लिए 5 प्रत्याशी हैं, संयुक्त सचिव पर 2 हैं, कोषाध्यक्ष पर 2 हैं, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पर 2 हैं, कला संकाय प्रतिनिधि पर 2 हैं, वाणिज्य संकाय प्रतिनिधि पर